हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम टेलिंग यू अबाउट व्हाट्सएप। यानी आप व्हाट्सएप चलाते हैं और आपको अगर इस सेटिंग्स के बारे में पता नहीं है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। यानी आप व्हाट्सएप चलाते हैं और आपको बहुत सारा जो व्हाट्सएप का ट्रिक्स है और टिप्स है आपको पता नहीं है, तो आपका ये वीडियो आज बहुत ही काम आने वाला है। यानी आप अगर अपना व्हाट्सएप का प्रोफाइल पिक्चर्स अपडेट करते हैं तो अपडेट करने के टाइम पे आपको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना होता है। यानी आप जब भी किसी फोटो को अपडेट करना चाहते हैं, अपडेट करने टाइम पे आप उस फोटो को पूरा का पूरा अपडेट कर नहीं पाते। यानी आपको बोला जाता है उसको आप क्रॉप करके, यानी आपका ऊपर का पोर्शन या नीचे का पोर्शन आप सिर्फ दे सकते हैं। तो मैं आपको आज एक ऐसा ट्रिक्स एंड टॉपिक्स बताऊंगी जिससे आप आपका जो फोटो है वो फुल इन्फा, यानी आपका फुल फील फोटो, यानी आपका जितना ही फोटो अच्छा आप देना चाहते हैं आप उतना भी दे सकते हैं। तो मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक्नोलॉजी ज्ञान। आप सभी को मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर अलाउ कर दीजिए। और प्लीज 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 वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करना और प्लीज वीडियो को कैसा लगता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं आपको अपना जो व्हाट्सएप है मैं आपको उसमें लेकर चलता हूँ, आपको दिखा दूँ क्या प्रॉब्लम फेस करना होता है। तो देखिए, जब भी मैं आपको व्हाट्सएप का प्रोफाइल जो प्रोफाइल का पिक्चर है उसमें अपडेट करने जाता हूँ तो प्रॉब्लम क्रिएट से फेस करना होता है वो एक्चुअल में क्या है उसमें देखिए। आप देख पाएंगे कि आपको सबसे पहले आपका जो प्रोफाइल का पिक्चर है वो जब भी अपडेट करने जाता है तो उसका क्रॉप का सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, यानी क्रॉप करना पड़ता है। आप क्रॉप करें बिना आप प्रोफाइल को अपडेट नहीं कर सकते। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, यानी आप इजीली इसका पूरा फोटो को आप कैसे यूज कर सकते हैं वो भी चुटकियों में। तो इसके लिए आपको करना क्या है तो प्लीज प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। तो आपको एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको इस टॉपिक के बारे में सीख नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। तो चलिए, तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले आपको करना है आपको जाना है मोबाइल का प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद एक आपको ऐप से यानी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, उसका नाम है व्हाट्सएप। तो आपको उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है आपका मोबाइल पे। करने के बाद आपको उस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। ओपन करने का टाइम आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो उस सॉफ्टवेयर को आपको जो नीचे आपका जो सिस्टम है, यानी आपका नीचे जो गैलरी का सिस्टम दिखाई देगा आपका उसी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद उस सॉफ्टवेयर जो गैलरी सिस्टम है उसको आपको ओपन करना है। करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, एक सिलेक्ट फोटो और एक कैप्चर फोटो, यानी आपको चाहे तो कैप्चर कर सकते या आपको सिलेक्ट कर सकते गैलरी से। तो फोटो को इजीली करना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने से आपको देखिए राउंड फेस आ जाएगा। तो आपका जो राउंड फेस है उसके अंदर आप जितना भी चाहे फोटो आपको जूम आउट एंड जूम इन करके इजीली आपका जो फोटो है वो आप इजीली जितना भी चाहिए हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे में देखिएगा लास्ट नंबर पे जो शेयर का सिस्टम में हो जाएगा उसको आपको क्या करना है, उससे आपको क्लिक करना है। जब भी आप क्लिक करेंगे डायरेक्टली उसी सॉफ्टवेयर में आपको रीडायरेक्ट करके आपको व्हाट्सएप जो प्रोफाइल पिक्चर है उसमें आपको ले जाएगा। ले जाने के बाद आपको आप देख पाएंगे कि आपका जो व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर है बहुत इजीली वही सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ डन पे प्रोसेस करना है और इजीली आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है ऑटोमेटिक जितना चाहे उसको यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को अगर अच्छा लगता है प्लीज एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और प्लीज 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 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और प्रेस कर नोटिफिकेशन आइकन उसको जरूर अलाउ करना, क्योंकि मेरा चैनल आप सभी के लिए इतना इस तरह वीडियो डालते रहता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छा लगता है प्लीज एक लाइक करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।